लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अगले सप्ताह से बिहार में भाजपा के बड़े नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा शुरू होगा और इसकी शुरुआत 30 जनवरी को कटिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा से होगी। इसके बाद 4 फरवरी को बेतिया के सुगोली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुप्रतीक्षित दौरा प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर पहले 13 जनवरी और फिर 27 जनवरी की तिथि तय की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे स्थगित कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान बिहार के लिए बड़ी सौगात दे सकते हैं। इस दौरान अरबों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास प्रस्तावित है। इन दोनों जिलों में आने वाले लोकसभा के अलावा आसपास के क्षेत्रों के भी पार्टी नेता व कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार 25 जनवरी से लेकर चुनाव अधिसूचना जारी होने के पहले पार्टी 10 बड़ी रैली करने जा रही है। इन रैलियों में प्रधानमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वही जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2024 शुरू हो चुका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मिशन के तहत बिहार आ रहे हैं। 30 जनवरी को नड्डा सीमांचल में मतदाताओं को साधने के लिए कटिहार में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ नड्डा पार्टी के नेताओं के साथ ताजा सियासी हालत को लेकर बैठक करेंगे और बैठक के दौरान वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं को टास्क देंगे। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी पार्टी की आगामी रणनीति पर उनका पार्टी नेता और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श की उम्मीद की जा रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।